बच्चों, मैं अशोक कुमार, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट साइंस, लेसन वन को वीडियो पार्ट टू के माध्यम से हमने फूड आइटम्स अर्थात डिश व्यंजक व्यंजन के बारे में और इन व्यंजनों के सामग्री के बारे में बताया था। जैसे बॉयल राइस है, यानी उबाला हुआ चावल। इनमें कौन कौन सी सामग्रियां हैं? तो राइस और वाटर, यानी चावल और पानी से मिलकर बनता है। अब अगला टॉपिक है सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स। भोजन के स्रोत, पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद। मोस्ट ऑफ द फूड विच वी ईट इन डेली लाइफ कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ फूड, दे आर नंबर वन प्लांट्स, नंबर टू एनिमल सीरियल्स लाइक विथ राइस एंड मेज ईटीसी। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विच वी ईट आल कम फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स। सम प्लांट्स आल्सो गिव अस ऑयल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। अर्थात अधिकांश भोजन जो हम दैनिक जीवन में खाते हैं वे पौधे और जानवरों से आते हैं। भोजन के मुख्य दो स्रोत हैं, पहला पौधे और दूसरा जंतु। जैसे गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि फल और सब्जियां जो हम खाते हैं सभी विभिन्न प्रकार के पौधों से प्राप्त होते हैं। कुछ पौधे से हमें तेल प्राप्त होते हैं, जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल और सूर्यमुखी का तेल। नेक्स्ट, विच आर यूज इन कुकिंग आलमोंड, अंडर ग्राउंड नट, टी, स्पाइसेज एंड कॉफी आर आल्सो प्लांट प्रोडक्ट्स। सो वी कैन से दैट प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। वीट आर राइस आर राइस आर द टू मोस्ट यूटिलाइज्ड सीरियल्स बाय द ह्यूमन बींग्स। वीट ग्रेन्स यूज आर टू मेक फ्लावर एंड चपाती, बिस्कुट्स, ब्रेड्स ईटीसी। राइस इज यूज टू प्रिपेयर पुलाव एंड बिरयानी। अर्थात जिनका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, बादाम, मूंगफली, चाय, मसाले और कॉफ़ी भी पादप उत्पाद हैं। हम कह सकते हैं कि पौधे मनुष्य और अन्य जानवरों के भोजन का प्रमुख स्रोत है। गेहूं और चावल मानव द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले दो अनाज है। गेहूं के दानों का उपयोग रोटी, बिस्कुट, ब्रेड आदि के लिए किया जाता है और चावल का उपयोग पुलाव और बिरयानी बनाने में किया जाता है। स्पाइसेज मसाले, द पार्ट ऑफ प्लांट्स विच आर यूज टू एड टेस्ट एंड फ्लेवर टू रॉ कुक्ड फूड आर कॉल्ड स्पाइसेज। अर्थात मसाले पौधे का वह भाग है जो कच्चे या पके हुए भोजन में स्वाद और स्वाद को बढ़ाने के लिए उपयोग होता है कहलाते हैं। नेक्स्ट, सम स्पाइसेज हैव लिटिल और नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेज। सम मोस्ट कॉमन स्पाइसेज आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो। स्पाइसेज यूज टू फ्लेवर अनकुक्ड फूड आर कॉल्ड कंडिमेंट्स। अर्थात कुछ मसालों का कम या कोई पोषण का मूल्य नहीं होता। भारत अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कुछ सामान्य मसाले नीचे तालिका में दी गई है। बिना पके हुए भोजन का स्वाद लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों को मसाला कहा जाता है। निम्नलिखित तालिका में आपको दिखाया गया है इंडियन नेम, इंग्लिश कॉमन नेम यानी भारतीय मसालों का नाम और इंग्लिश में मसालों का नाम। जैसे लौंग को क्लोव्स कहते हैं, इमली टैमरिंड कहते हैं, जीरा क्यूमिन, इस तरह से इसका नाम दिया गया है। इसे आप लोग स्वयं पढ़ें और इसको याद करें। फूड आइटम्स ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स, कुछ खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होते हैं।
एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड मटेरियल सच एज मिल्क एग चिकन मीट फिश एंड हनी, अर्थात पशु हमें खाद्य सामग्री जैसे दूध अंडा चिकन मांस मछली और शहद प्रदान करते हैं। नेक्स्ट मिल्क बटर चीज। मिल्क इज एन इम्पॉर्टेंट फूड आइटम फॉर अस। वी ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम एनिमल्स सच एज काउ बफेलो गॉट कैमल एंड शिप। बफेलोज एंड काउज आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन आवर कंट्री। मिल्क कर्ड चीज बटर घी आइसक्रीम कोया कुल्फी आर कॉल्ड मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, अर्थात दूध हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। हम गाय भैंस बकरी ऊंट और भेड़ जैसे जानवरों से दूध प्राप्त करते हैं। भैंस और गाय हमारे देश में दूध के मुख्य स्रोत हैं। दूध दही पनीर मक्खन घी आइसक्रीम खोआ कुल्फी को दूध या डेयरी उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट एग्स एंड मीट। एग्स एंड मीट आर रिच इन प्रोटीन। मीट रेफर्स टू दी मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ एनिमल्स बॉडी दैट आर ईटन। वी ईट मीट फ्रॉम फिश पोल्ट्री कैटल एंड शिप। एग्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम हेंस डक्स एंड फिश। एग्स आर आल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम पोल्ट्री। पोल्ट्री इंक्लूड्स बर्ड्स लाइक चिकन हेन डक्स गीज एंड टर्की। दी एडल्ट फीमेल चिकन्स आर कॉल्ड हेन्स। हेन प्रोवाइड्स अस एग एंड चिकन, अर्थात अंडे और मांस प्रोटीन से भरपूर होते हैं। मांस खाने वाले जानवरों के शरीर की मांसपेशियों और अन्य हिस्सों से होता है। हमें मछली मुर्गी मवेशी और भेड़ से मांस मिलता है। अंडे मुर्गियों बतखों और मुर्गियों बतखों से प्राप्त होता है। मुर्गी से भी अंडे प्राप्त होते हैं। मुर्गी पालन में मुर्गी मुर्गी बतख टर्की जैसे पक्षी शामिल होते हैं। वयस्क जो मादा मुर्गी मुर्गी कहा जाता है, मुर्गी हमें अंडा प्रदान करती है और चिकन भी प्राप्त होता है। फिश। फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल। फिश एंड सी फूड आर रिच इन प्रोटीन एंड आयोडीन। फिश इज द मेजर पार्ट ऑफ फूड फॉर पीपुल लिविंग इन द कोस्टल रीजन्स, अर्थात मछली एक जलीय जीव है या समुद्री भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और आयोडीन होता है। समुद्री क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए मछली मुख्य भोजन है। हनी। हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय बी। हनी बीज कन्वर्ट द नेक्टर दैट दे कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स इनटू हनी। दे स्टोर द हनी इन द हाइव्स। इट इज रिच इन शुगर मिनरल्स एंड एंजाइम्स। इट इज आल्सो यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, अर्थात मधुमक्खियों द्वारा शहद का उत्पादन किया जाता है। शहद की मक्खियाँ उस फूल के रस को शहद में रूपांतरित करती हैं। वे इसे अपने छत्ते में इकट्ठा करती है या शर्करा खनिज और एंजाइमों से भरपूर होते हैं। इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। अब मैं वीडियो पार्ट 3 में इसको एंड करता हूँ। अगला टॉपिक वीडियो पार्ट 4 में बताया जाएगा। थैंक यू।